नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने शाही ईदगाह में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंची बिजली निगम की टीम ने शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी की इस चोरी को पकड़ा है। टीम ने मौके पर मिले बिजली के तार और अन्य सामान को जब्त करते हुए इस सिलसिले में नगर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस को दिए तहरीर में बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया, शाही ईदगाह में 4 किलो लोड की बिजली चोरी हो रही थी। इसी के साथ कमेटी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, शाही ईदगाह में बिजली की चोरी शुरू हो गई है। इससे पहले मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में शाही ईदगाह कमेटी पर बिजली चोरी पर नकेल कसी गई थी। दिनेश शर्मा ने इस पत्र की कॉपी जिला अधिकारी, बिजली मंत्री और बिजली निगम के स्थानीय अधिकारियों को भी भेजी थी। इस पत्र के आधार पर विभाग ने मामले की जांच कराई। इसमें पता चला कि बिजली की लाइन में कटिया डालकर शाही ईदगाह में बिजली जलाई जा रही है। इसके बाद बिजली निगम ने तत्काल कनेक्शन काटते हुए बिजली उपकरण जब्त कर लिए। इसी के साथ मथुरा मसानी के SDO ने शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद के खिलाफ विद्युत चोरी और रोकथाम अधिनियम में केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को भेजी दिनेश शर्मा की चिट्ठी के बाद से ही बिजली निगम में हड़कंप मच गया था। बिजली निगम की विजिलेंस टीम के प्रभारी BK यादव ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर दबिश दी। इस दबिश में मसानी बिजली घर के SDO विकास शर्मा और अवर अभियंता दीपक प्रतीक को भी शामिल किया गया। टीम जब मौके पर पहुंची तो बिजली की लोड टेंशन लाइन पर कटिया लगा मिला। वहीं मस्जिद के अंदर AC और अन्य उपकरण चलते मिले थे। बिजली निगम के अधिशासी अभियंता विपिन कुमार ने बताया कि शाही ईदगाह में कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। विद्युत विभाग की टीम ने जांच करने पर बिजली चोरी होते हुए पकड़ी। साथ ही इसमें शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हमें इसमें लगभग 4 किलो का लोड चोरी होते हुए पाया गया है। इसके आधार पर मस्जिद प्रबंधन कमेटी पर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि शाही ईदगाह कमेटी ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है। इसी के साथ नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के सिलसिले में अभी तक शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।